सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन। वेलकम टू माय फेसबुक पेज निरामय योग स्टूडियो। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं राजन चौधरी की प्रोफाइल से। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत अट्रैक्टिव वीडियो लेके आया हूं। सो दोस्तों, जैसे मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूं, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। सो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन मीन्स की कब्ज रहती है, स्टूल का अच्छे से पास ना हो पाना, उसकी वजह से हमारे अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल हेमोराइड्स हो जाते हैं, जिनको पाइल्स बोला जाता है या उसको बवासीर बोला जाता है। तो दोस्तों, आज इसके रिलेटेड कुछ बात करेंगे और इसके रिलेटेड एक सिंपल सा पोज करेंगे, जिसके करने से आपकी जो पाइल्स की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पाइल्स के रिलेटेड कुछ बातें और उसके बाद उसके रिलेटेड पोज। सो दोस्तों, पाइल्स के रिलेटेड हम अगर कुछ बात करें तो दोस्तों, जो इंटरनल हेमोराइड्स हैं या एक्सटर्नल हेमोराइड्स हैं या जिसको पाइल बोला जाता है या बवासीर बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में, सो दोस्तों ये जो है हमें ज्यादातर अंदर ड्राइनेस होने की वजह से, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं बताऊंगा, सिंपल वे में ये इसलिए समझाऊंगा क्योंकि सभी लेमेंस को समझ लग जाए। सो दोस्तों, जब हमारे अंदर ड्राइनेस रहती है, जब हमारे अंदर खुश्की हो जाती है, उसकी वजह से हमारा स्टूल अच्छे से पास नहीं हो पाता और उसकी वजह से हम जो है, जब हम स्टूल के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जोर लगाते हैं। जोर लगाने से हमारे अंदर जो आर्टरीज होती हैं वो खुल जाती हैं, उसकी वजह से हमें इंटरनल हेमरेज हो जाते हैं, किसी को इंटरनल हो जाते हैं, किसी को एक्सटर्नल हो जाते हैं। एक्सटर्नल जो एनल रीजन होता है, उसके बाद जो हेमरेज, जो पाइल्स, जो पिंसियाँ बन जाती हैं, उसको एक्सटर्नल हेमरेज बोलते हैं, जो अंदर बनती हैं उनको इंटरनल हेमरेज बोलते हैं, तो इसको पाइल्स भी बोला जाता है। सो दोस्तों, अगर हमारे अंदर ड्राइनेस रहेगी, हमारा खान पीन अच्छा नहीं होगा, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे और उसके खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन रहेगी और हमें स्टूल जाने के वक्त हमें अच्छे से स्टूल पास नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी। पाइल्स की मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम 99% कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो हमारे अंदर पाइल्स भरनी स्टार्ट हो जाएंगी, हम स्टूल के लिए जाएंगे, वहाँ मतलब कि फोर्सफुली स्टूल पास करने की कोशिश करेंगे और हमारा स्टूल नहीं पास होगा तो हमारे अंदर जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो खुल जाती हैं, उसके वजह से वो फट जाती हैं और हमारे स्टूल के रास्ते से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, इसको पाइल्स बोला जाता है। सो फ्रेश ब्लड आता है जिसको, उसको पाइल्स बोला जाता है। तो एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके फ्रेश ब्लड आ रहा है स्टूल में से तो उसको पाइल्स बोला जाता है, अगर फ्रेश नहीं है, ब्लैक कलर का है, तो वो कोई और दिक्कत हो सकती है कि हमेशा पाइल्स में अगर आपको फ्रेश ब्लड आ रहा है तो दैट इज़ ए पाइल, आपको पाइल्स है, तो उसका ध्यान रखिए, डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। अगर डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रही हैं तो साथ साथ मेरा कोर्स भी कीजिए। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखिए, कॉन्स्टिपेशन किसी तरीके से दूर करें, धीरे धीरे 80% आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, एक चीज़ और बताऊँ, इसमें जो है खाने पीने का बड़ा रोल होता है, आप अच्छे से खाना पाइए, अपनी रूटीन जो है, जो अपना डेली लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, उसके वजह से जो है हमारी प्रॉब्लम जो है ठीक हो सकती है। और साथ में मैं आपको आज एक सिंपल सा पोज बताऊंगा, सिर्फ एक सिंपल, वैसे तो कई सारे पोज हैं, एक सिंपल पोज बताऊंगा जिससे आपकी जो है पाइल्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, पर बेशर्ते है आपने डेली करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पाइल्स के लिए फर्स्ट पोज, जिसका नाम है सुप्ता पादगुंस्ता। इसमें हम सुप्ता का मतलब होता है लाइंग डाउन पोजीशन और पदा का मतलब होता है पैर, और लेट के हम इसको है पैर को थोड़ा जो हमारी लेग को है ऊपर अपने फोरहेड तक लेके जाएंगे, सो इसको सुप्ता पादगुंस्तासन बोला जाता है। सो दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसको आप डेली सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दो बार सुबह कीजिए, दो बार शाम को कीजिए और रिजल्ट आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो लेट्स गो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अब लिंग डाउन पोजीशन में लेट के एक लेग को बिल्कुल सीधे रखते, पहले लेफ्ट साइड कीजिए उसके बाद राइट साइड कीजिए। तो एक लेग को बिल्कुल सीधे रख के, मैं पहले लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, तो दूसरी लेग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो इसको जो अपने फुट के थंब को पकड़ के, तो ये सीधा जितना आप लेके जा सकते हैं सीधा, और उसके बाद दूसरी साइड भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये है पोज
एक पोज जो कि सिंपल है, सभी कर सकते हैं, इसको करिए। इससे काफी हद तक आपकी जो है पाइल्स हेमराइड्स, जिसे पाइल्स बोला जाता है, बावसीट बोला जाता है, काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और दूसरा, इसके साथ सर्वांगासन भी कर सकते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है। इसको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं आपको। और इसका साथ में वेरिएशन भी कर सकते हैं। दिस इज द सर्वांगासन वेरिएशन। पोजेस करिए, इससे आपकी काफी हद तक जो है पाइल्स हेमराइड्स, जिसको बाबा सिर बोलते हैं, ठीक हो जाएगी। सो आपको डेली करना पड़ेगा। तो साथ में जो कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड बताया है कि आपने अंदर थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखिए। तो ये थी आज की दोस्तों वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।